पीछे हो ना जी ने लिखा है इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम ऑल्सो बिकॉज उनके साथ हम फेबररी से काम कर रहे थे पिक्चर के ऊपर एंड अक्टूबर में वी वेंट टू शूट इट एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो ही पास्ड अवे सो ही इज़ बिन अ लेजेंडरी फिल्म मेकर सो आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी बिकॉज बहुत मीडिया में कुछ लोगों को दिखाई तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने कुछ फिल्म मेकर्स को दिखाई है उनके भी बहुत बहुत अच्छे रिएक्शन आए मेरा फेवरेट तो सरदार का किरदार है या एंड ये लड़की है जो है बुलबुल इट्स अ शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे जो रिलीज़ हुई है शॉर्ट फिल्म है 20 मिनट की और बुलबुल जो लड़की है वो बहुत ही ड्रामेबाज लड़की है और वो अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ही नाटक करती है बहुत ड्रामास करती है और ये सब उसके ड्रामे हैं जो आप देख रहे हो और मेरा पर्सनल फेवरेट सरदार का लुक है जो कि करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया इसलिए वो आई लव यू करते हुए फिर रही ऐसा माने आप देखना पिक्चर काफ़ी पसंद किया है जी बहुत पसंद आ रही है जी कुछ कहना चाहिए आप आई एम जस्ट हैप्पी एंड थैंकफुल कि इतनी पसंद आ रही है यू नो सब मेरी बहुत अच्छुट एक्टिंग की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर जैसे राजकुमार संतोषी जी को मैंने दिखाई उन्होंने बहुत बहुत तारीफ की और वो कॉमेडी के तो मतलब बाप हैं ऑलमोस्ट और उन जैसा फिल्म मेकर अगर पिक्चर की तारीफ करेंगे और कॉमेडी जो डाली है पिक्चर में और परफॉर्मेंस की तारीफ करेंगे तो बहुत ही मतलब यू नो यू फील वेरी हैप्पी So I'm just happy and thankful. I would like to say to the audience ki please sab dekhiye jinhone miss kiya YouTube par out hai picture. Divya, Rekha ji ka film dikha rahe hain. Visheshkar unke liye screening rakhi. Kyun aur kitni importance rakhti hai unki feedback aapke liye? मैंने गाना किया था कभी यादों में जो कि जनवरी में रिलीज़ हुआ था और 50 मिलियन पहुंचने वाला है तो उसके बाद मैं उनसे मिली थी रेखा जी से मिली थी दंगल की सक्सेस पार्टी में और उन्होंने बस मुझे हग किया और कहा कि मुझे इतना पसंद आया है जो मैंने परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ़ यू ऑन स्क्रीन मैं वेट कर रही हूँ तो मुझे इतनी वो वार्म लगी और इतनी आई थॉट कि वाओ शी इज़ सच अ लेजेंडरी एक्ट्रेस और वो मेरे गाने की तारीफ कर रही है तो कितनी लाइक शी इज़ सच अ वार्म ह्यूमन बींग एंड शी सेड दैट व्हेनेवर यू डू योर नेक्स्ट यू नो आई कम एंड लॉन्च इट फॉर यू उन्होंने मुझे कहा सो खुद से उन्होंने मुझे कहा सो देन आई कॉल्ड हर एंड शी इज़ सो ग्रेसफुल ऑफ हर एंड हर मैनेजर फरजाना जी टू गिव मी हर वैल्यूबल टाइम ऑब्वियसली आई थिंक रेखा जी से तो सभी इंस्पायर्ड है लाइक एवरीबडी एंड खूबसूरत में तो उन्होंने और बाकी पिक्चरों में भी बहुत ही अमेजिंग काम किया उनकी जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने के को मिलेगा अगर उनकी जर्नी को हम देखें तो ऑफकोर्स शी इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस किस किस को और दिखाना चाहेंगे आप आई थिंक मैं चाहूँगी सब देख ले जैसे आपने राजकुमार संतोषी जी को दिखाई उसके अलावा ऐसे कोई मैंने अब्बास मस्तान जी को दिखाई उन्होंने बहुत तारीफ़ की फिर अनीस बाजमी जी को मैंने दिखाई उन्होंने बहुत तारीफ़ की आई थिंक मैं सभी डायरेक्टर्स को तो डेफिनेटली दिखाना चाहूँगी बिकॉज मेरी जो ग्रोथ हुई है एज अ क्रिएटिव पर्सन आई थिंक वो एज अ फिल्म मेकर हुई है क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमराज बहुत काम किया मैंने और दो पिक्चरें डायरेक्ट कर दिए तो ऑन द सेट सीखते सीखते मेरी बहुत ग्रोथ हुई है तो एक डिफरेंट रूट रहा है तो आई वुड लव कि सभी देखें और फीडबैक जी जी भूषण जी ने देखी आई थिंक जब आप वाइफ बन जाते हो तो आई थिंक हस्बैंड इतनी तारीफ नहीं करते
उनको एक रिमाइंडर देना पड़ता है यू नो, बिकॉज वो बस ऐसे शायली मुस्कुरा देते हैं, बट आई थिंक फिर ऐसे हो जाता है ना घर की मुर्गी दाल पर बराबर। मैं ट्राई करूंगी बट मैं श्योर नहीं हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, कम से कम एक स्टेटमेंट तो दे दें। जी जी जी, मतलब हम पूछे ना लेकिन कम से कम जवाब, मतलब हां हां क्या-क्या चले, मैं जरूर उनको बोलूंगी कि स्टोरी तभी बनेगी। जी जी, मैं समझ गई। दिव्या जी, अगर जी और अगर नया साल स्टार्ट होने वाला है तो अगर हम बात करें कि कुछ और भी फिल्में डायरेक्ट करने वाली है, अगर क्या कुछ प्रोजेक्ट है अगर आप हमें बता सकते। सो मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रही हूं एज अ डायरेक्टर, एंड अभी तक तो मैं बुलबुल में एक साल से बहुत बिजी रही हूँ और बहुत कंज्यूम किया। आप देखेंगे जब पिक्चर और परफॉर्मेंस, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा इस पिक्चर ने मुझे कंज्यूम किया, बिकॉज एक बिग फिल्म की तरह शूट की है, ऑल्दो सिर्फ 20 मिनट की पिक्चर है। तो आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव टाइम टू माई ओन स्क्रिप्ट, बट आफ्टर दिस आई विल, एंड आई एम ऑल्सो ओपन टू एक्टिंग। अगर एक्टिंग के लिए कुछ अच्छा रोल आए तो आई विल डू इट। I would like to say, wow, it's such a beautiful surprise, and I would like to wish them all the very best. और बहुत बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि दो इतने अच्छे you know लोगों की एक दूसरे से आपस में शादी हुई है ना, they'll make such a wonderful, beautiful couple. So I wish them all the best. I don't know. You asked me, so I'm wishing them. Encouraging her. She needs all the encouragement.
and thank you for being here. She's a living example that time is of not essence here. It's not the question of time. Any person can do anything at any time. You just have to will it and be ready at all times. God bless you, Divya. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you all so much. God bless you. No, that's okay, she said.